हिंदी साहित्य के पहले कवि विद्यापति ने मैथिली में कविता लिखी थी, संभवतः वो हिंदी भाषा की पहली कविता है जो विद्यापति ने लिखी थी। विद्यापति का महत्व इतना है, वैष्णव कवियों का भी विशेष महत्व है, और वो महत्व इतना है कि जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी आरंभिक कविता लिखी तो मैथिली भाषा में थी। आज हमें हर्ष है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती रंजना झा। आप ख्याति गायिका हैं, आपने संगीत में बहुत सारी योग्यताएं रखती हैं, आप आकाशवाणी की ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं, तथा आपने कोशी महोत्सव, चंपारण महोत्सव, देव महोत्सव, अंग महोत्सव तथा और न जाने कितने सारे महोत्सव, आपको बिहार सरकार द्वारा विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार से नवाजा गया है, आपको संगीत कला रत्न का पुरस्कार प्राप्त है तथा संगम कला ग्रुप दिल्ली के द्वारा पुरस्कार प्राप्त है। बाजार में आपके बहुत सारी सीढ़ियां उपलब्ध हैं। श्रीमती रंजना झा ने अपनी आरंभिक शिक्षा श्री योगेंद्र भारती जी से लिया और आपको विदुषी किशोरी अमोलकर का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके साथ वायलिन पर संगत कर रहे हैं श्री विजय सिन्हा जी, तो पटना से आए हैं, और विषय से हैं तबले पर संगत कर रहे हैं श्री राज से। संगीत प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारे सामने हमारे देश के भविष्य भी बैठे हैं, आप सबको प्यार। आज स्पिकमेके के आए हैं, हम बहुत आभारी हैं कि सिवान जिले में मैं पहली बार आपके समक्ष हूं, और मैथिली साहित्य में उन्होंने जो प्यारी प्यारी रचनाएं हम सबको दी हैं, विद्यापति गीत संगीत वो अलग, और मिथिलांचल को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है। आपके बीच हम विद्यापति जी की रचनाओं को लेके आए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक भगवती गीत की रचना की जिसे गोसावनी गीत के नाम से जाना जाता है, और मिथिलांचल में हम सब जब भी कोई कार्यक्रम शुभ कार्य करते हैं तो इस गीत को राष्ट्रगीत की तरह उपयोग करते हैं और माँ की वंदना करते हैं। वही गीत से मैं आरंभ करूंगी। आप सबको फिर से प्रणाम।
कि चंदन विष के समान हो गया है और ये आभूषण जो है वो बहुत भारी लग रहे हैं हमें, क्योंकि सपने में भी कृष्ण नहीं आए, हरि नहीं आए, प्रिया नहीं आए। तो बहुत ही प्यारी रचना है आप सबके समक्ष।